ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं उमर अंजुम को। बहुत अरसे बाद मैं उमर अंजुम को सुनने वाला हूँ, और ये तुम लोगों को पता है मैं ज़्यादा उमर अंजुम के गाने नहीं सुनता फिलहाल, लेकिन शायद आने वाले वक्तों पर सुनना शुरू कर दूँ। एक दो गाने हैं हेडशॉट वगैरह, हेडशॉट 1 नहीं 2 मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ। तो हाँ, मुझे बेसिकली किसी ने लिंक भेजा गाने का कि ये सुन, पता नहीं मेरे ख्याल से चीप स्कर्ट कुछ था ऐसा गाना, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ आया तो मेरे को नज़र आया। मैं जब चैनल खोला तो मेरे सामने आया आर यू डाउन, और साथ ही इंतज़ार और डिज्नी लव और ले लो, नहीं ले नहीं ब्रो। तो खैर ये चार गाने इसलिए मेरे नज़रों में आए क्योंकि मैंने लिरिकली हार्डकोर रैप सुना हुआ है, राइम्स टाइट जिसमें रखता हूँ, राइम्स तो हाँ उसके अंदर रखता हूँ। तो मैंने कहा यार ज़रा उस तरह का सुनते हैं कि ज़रा अब ये गाने इस तरह ना यार, जैसे इंतज़ार, डिज्नी लव, ये मेरे ख्याल से पोइट्री टाइप है अगर मैं गलत रहा हूँ। पोइट्री में मतलब देखने में ये है कि ज़ाहरी बात है, अब इंतज़ार के अंदर एक कहीं ना कहीं मोहब्बत के बारे में बोल सकता है या अपनी स्टोरी वगैरह जो होगी वो होगी। तो उसी तरह आर यू डाउन और ये जिस तरह भी हैं, मतलब गानों के नाम से पता चल जाता है कि यार हाँ क्या वाइब देगा। तो आर यू डाउन हम सुनने वाले हैं, और हाँ स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि क्योंकि इस गानों के अंदर इसलिए मैं आज नहीं सुना, कल सुन लेंगे। ये वाला गाना आज सुन रहा हूँ इस वजह से क्योंकि वाइब ज़रा अलग, मैंने कभी इसको पोइट्री करते हुए नहीं सुना उमर अंजुम को, तो इसमें पोइट्री हो सकती है। अब ये भी ना हो कि आर यू डाउन तो आगे कुछ और ही सीन निकला है, लेकिन हाँ तो कह चेक करते हैं बाबा जी। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि उमर अंजुम का ये कैसा गाना है। बाबा जी यस कमांड। डाउन नाइट नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे आए बस साइट, थोड़ा डर लगे तुम ना आए। Are you down tonight? नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे आए बस साइट, थोड़ा डर लगे तुम ना आए। कच्चा रिश्ता वो पूछे क्यों हम पीने लगे, कीले गड़ी कितनी जिंदगी जंग में जीरे, उदासी का मातम दिल पे हमें चीरे लगे, सूखे दिमाग। देखा तूने मुझे आए बस साइट, थोड़ा डर लगे तुम ना आए। Are you down tonight? नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे आए बस साइट, थोड़ा डर लगे तुम ना आए। कच्चा रिश्ता वो पूछे क्यों हम पीने लगे। तारा अंजुम का फ्री स्टाइल चोरी करके अपने गाने बनाता है डान, इतना खूबसूरत ये लाइन तुमने कहाँ से चोरी किया भाई, ये मेरे को शक होता है भाई। बहुत ज़्यादा लोग लिरिक्स छापते हैं भाई, सीधी बात है, ये कहाँ से तूने उठाया ब्रो, ये इतना खूबसूरत लाइन तेरे को कहाँ से, तेरी उम्र बहुत छोटी है ब्रो, कितना होगा 20 साल 21 साल का, इस उम्र में ये कहाँ से तुमने, कहाँ से। कीले गड़ी कितनी जिंदगी जंग में जीरे, उदासी का मातम दिल पे हमें चीरे लगे, सूखे दिमाग लेके गम की बारिशों में गीले, टूटे जैसे आसमान में बादल, अलग हुए न जुड़ने के काबिल, औरों के झूठ को सच मान के तूने आखिरकार मुझे ही क्यों बोला बातिल। दर्द दिल में बयां कर दूं कैसे, ये बताए मुझे अब कोई मिलके, दर्द से लिखूं तो जलते ये पन्ने, और दिल से लिखूं तो दर्द होता दिल में, वो भी दिन थे जब मिलते थे हंस के, दुनिया भूल के न किले न शिकवे, हर घड़ी रहे मुझे इंतजार तेरा, शायद कभी आओ मुझसे मिलने, लिख रहा हूँ ये खत पूरी जान से, शायद तू पढ़ ले या फाड़ दे तू शान से, शाहीन हूँ मैं मिलेंगे आसमान पे, उड़ेंगे नहीं तो ये पर किस काम के, जिंदगी तस्वीर मेरी तूने रंग भरा, नो सेकंड चांसेस इस बात का ही गम लगा, करूं इंतजार या करूं अपना दिल बड़ा, करूं साफ जो औरों ने तुझ में जंग भरा, मुझे पता है मैं नहीं तेरे लायक कभी, एक जानो जिस्म इस जिस्म में वो जान नहीं, सिला गलतियों का काटूं पूरी जिंदगी, आई कैंट मूव ऑन मुझ में तेरी वाली बात नहीं, मेरी दुआ के मन तेरा साथ, मुझ में तेरी वाली, आगे से टीटो पार्टी। यार ये कितना खूबसूरत इसने लिखा है ब्रो, मेरे को कब, मैंने कभी सुना नहीं उमर अंजुम को ये इस तरह,
इस वाइब में मैंने कभी नहीं सुना। ब्रो तूने छापा तो नहीं है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, मेरा ना मारा दिल ऐसे धक धक करता है कि भाई ये कहीं जो मेरे को आजकल ना पता क्या हो रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन फिर भी तुम्हें पता ही होगा भाई, जिसके लिरिक्स खोल के देखो बहन जो थोड़ी देर बाद मैं मेरे अंग्रेजी उर्दू इंग्लिश सारा ही चुता पड़ा हुआ, सीधी बात है ब्रो। तो जब मैं खोल के सुनता हूँ ना, वो मैं कहता हूँ ये तो भाई बाहर वाले रैपर की लाइन थी बहन, ये उसकी थी, अच्छा ये तो उसने लिखी, और कहीं तो शायरों को चोरी करके लिख, अबे नीचे रेफरेंस या कुछ दो तो सही डिटेल। तो ये अगर तुमने लिखा ना ब्रो मेरी चुम्मी दे का काटूं पूरी जिंदगी, आई कैंट मूव ऑन, मुझ में तेरी वाली बात नहीं, मेरी दुआ के मन तेरा साफ हो, दिलो दास तेरा छुपे उसमें रास सो, इतनी माफियों पे कर देता है माफ वो, मुझे ये बता दो कि तुम कौन से खुदा हो। काहे अरे बाप रे, मैं ना ये टीटो पार्टी, मेरे अंदर वो वाली चीज नहीं है, ये लोलो पोपोली ना, ये ना, बट अरे भाई ये क्या, ये तुम नहीं ये है माफ वो, मुझे ये बता दो कि तुम कौन से खुदा हो। काहिल है उमर उसकी सोच नहीं, काबिल नहीं उमर दिल पे बोझ नहीं, राकिब है उमर देखता सब है, इतना देख कर भी दिल में खोट नहीं। Are you down tonight? नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे I was psyched, थोड़ा डर लगे तुम ना आए। Down tonight, नजरों से बातें करती जाए, देखा तूने मुझे I was psyched, थोड़ा डर लगे तुम ना आए। Okay, सबसे पहले तो यार ये झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरे ख्याल से दूसरा गाना होगा जो मैं उमर अंजुम का रिपीट पे सुनूंगा ब्रो, ये कितना खूबसूरत, मुझे एक सेकंड ना जरा लिरिक्स खोलने दो यार। मुझे एक चीज देखनी है, वो ये है कि ब्रो क्या तूने वाकई में ब्रो ये खुद लिखा है ब्रो, नीचे कभी कहीं दिया तो नहीं हुआ ब्रो, लेकिन खुदा जानता है इस उमर अंजुम कितने साल का यार, उमर अंजुम आ रहा होगा गूगल पे कि नहीं, अंजुम विकीपीडिया पे अंजुम खुद ही कर लो बंदा होता है, नहीं विकी चौहान कौन था यार, खैर बात ऐसी है कि नहीं गूगल पे मतलब नहीं बोला साहब नहीं अभी, लेकिन भाई तू बहुत खूबसूरत शायर है ब्रो, तेरा कलम तू लिख भाई, तू इस तरह की शेर व शायरी लिख, तेरा बहुत चलेगा माल, बहुत बिकेगा ब्रो, हमें तो तुम्हें पता है कि टिकटॉक पे चाहिए वो 33 वाली स्टोरियाँ, फिर उसको डार्क मोड पे वो क्या एस्थेटिक क्या उसके चौदे बनने हैं ब्रो, हमें तो वो चीज़ चाहिए, हम तो मरते हैं। लेकिन खैर मजाक के अलावा बहुत खूबसूरत यार, बहुत इसका खूबसूरत है, एक लाइन बहुत खूबसूरत है, मैं उमर अंजुम को नहीं सुनता था, ये दूसरा गाना है, इसको लाइक करो बहन छो, ये गाना हम रिपीट पे सुनेंगे ब्रो, हालांकि ना बची नहीं है फिर भी मतलब हाथी लगाएंगे बहन चो, लेकिन नहीं सुनेंगे हम रिपीट पे ब्रो ना, तोबा तोबा तोबा, मूड खराब दिल दुखी कर दिया ना अभी, मैं रात को कितने बजे बैठा 7-8 तो बज रहे हैं, ये दुखी कर दिया ना, मैं रात को फिर ये गाना सुनते सोचूंगा कि वो फिर उसके साथ फिर झुक गई कहीं और, फिर जी ए आर वोला सीन हो जाएगा वो गाना मुझे याद है उमर अंजुम का, खैर मजाक कर रहा था, बहुत खूबसूरत मम्मल रैप एमसी को सुन रहा हूँ मैं आजकल भाई, तो खूबसूरत शेर व शायरी है ब्रो, हर लाइन में ऐसे एहसास जज्बात जुड़ते हैं ब्रो, खूबसूरत है, मैं इसको जितना हार्ड कर सुना हुआ है, और वो ठीक है वो चलता है, वो सीन ज़्यादा चल रहा है आजकल सारे टीटो पार्टियाँ लगा रहे हैं, हम दूसरा गाना भी सुनेंगे इसका, लेकिन ये गाना बहुत खूबसूरत है, मुझे ये क्या है थ्री फरी या फरी रैप स्टार्स को जैसे हैं जैन, उनकी टीम क्या है मेरे को अब पता चला, मैं को जैन कौन है भाई, ये जैन कौन है, मैं थक गया था कि भाई बता दो मेरे को, वीडियो टू बी अनाउंस्ड, अच्छा इसकी वीडियो आनी है ब्रो, फ्लेक्सिंग हो रहा है ब्रो, अच्छा ठीक है, तो हाँ खूबसूरत है ब्रो, सीरियसली मेरे को लोलो पोपोला सीन बहुत मुश्किल से पसंद आता है, दिल पे लगने वाली बात है भाई, सीधी बात है, तो शेर व शायरी खूबसूरत है, और इस उम्र के अंदर ऐसी शेर व शायरी लिखना आर्टिस्ट के लिए
शायद रैंडम हो, लेकिन एज ए व्यूअर आपका दिल करेगा कि आप बार बार इसको रिपीट पर सुने। तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे। यही है मेरा रिव्यू, कुछ इतना वो है नहीं, और इतना होता तो हमने कौन सा समझा देना था तुम्हें, ठीक है ना भाई। अब बार बार रिपीट सुनेंगे वीडियो को तो फिर समझ आएगा वो वाला दूसरा है। तो मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए ब्रो एसी लगा रहा ब्रो, ये वाला ये काम कर, तेरा पोएट्री लेवल बहुत अच्छा है ब्रो, थोड़ा वर्सेटाइल बन ब्रो, इधर उधर हाथ मार, जो कि तूने मारे होने मैंने नहीं देखे बाबा जी। यस कमांड।